दोस्तों पबजी मोबाइल में तो आप सभी कई बार आसमान से कूदे होंगे, पर क्या हो अगर रियल लाइफ में भी लोग आसमान से कूदने लगे तो? 11 महीनों में भविष्य कुछ ऐसा ही हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन किरवन, आप देख रहे हैं फिल्मी कटाक्ष और आज हम बात कर रहे हैं अमेज़न प्राइम की एक लेटेस्ट मूवी के ट्रेलर पे जिसका नाम है टुमारो वॉर। इस मूवी में हमें लीड रोल में देखने के लिए मिलते हैं क्रिस प्रैट। क्या नहीं जानते? अरे वही अपना पीटर क्विल फ्रॉम गार्डन ऑफ द गैलेक्सी, जिसके बिना एवेंजर एंड गेम होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो दोस्तों जैसा कि मूवी के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये वॉर टुमारो वॉर है, यानी फ्यूचर की वॉर। अब ये तो जाहिर है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है और आगे हमें यही देखने को मिलता भी है। वेल, ज्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से, जहां डैन नाम का बंदा अपनी फैमिली के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है। वहीं अचानक से एक फुटबॉल स्टेडियम में एक पोर्टल खुलता है जहां से कुछ मिलिट्री के लोग बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि आज से 30 साल बाद ह्यूमन लाइफ खतरे में है अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो। उनके एनिमीज कोई ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियन क्रिएचर हैं जो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसलिए वहां की गवर्नमेंट हर घर से एक मेंबर को फ्यूचर के लिए भेजती है ताकि वो एलियन से लड़ सके और ह्यूमन लाइफ को बचा सके। और हम यहाँ डैन फॉरेस्टर को देखते हैं जो अपनी फैमिली और ह्यूमन लाइफ के लिए फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके हाथ पे एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में आ और जा सके। अब फ्यूचर में इनके साथ क्या क्या होता है और ये किस तरह से ह्यूमन लाइफ को बचाते हैं एलियन से, ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर एक बात तो क्लियर है, इस मूवी में हमें भर भर के एक्शन फिल्म देखने को मिलने वाला। अपनी शानदार डायरेक्शन के साथ इसे डायरेक्ट किया है क्रिस मैकी ने। ये एक अमेरिकन मिलिट्री साइफाई एक्शन मूवी होने वाली है। वेल, ऐसा तो नहीं है कि ये क्योंकि ये एक साइफाई मूवी है तो ये सीरियस ही होगी, क्योंकि ये बंदा ना जिस भी मूवी में होता है वहाँ उम्र तो देखने को मिलता ही है। मैं बताता हूँ, घुमा दो और अंदर। इतने शांत कैसे हो? लंबी कहानी है, पहले फौज में थे क्या? हाँ, इतनी भी लंबी कहानी नहीं। कुल मिला के ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है जहाँ हमें इमोशनल, फनी और एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। इस मूवी को लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज किया जाने वाला था, बट ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये अमेज़न प्राइम स्टूडियो पर 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस मूवी को 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के ट्रेलर को देखकर एज ऑफ टुमारो की याद आ गई, जहां टॉम क्रूज फ्यूचर में जाता है एलियन से लड़ने के लिए। इस ट्रेलर को देखकर ऐसा फील होता है जैसे ये एज ऑफ टुमारो का कोई सीक्वल हो। खैर जो भी हो, ट्रेलर जितना बढ़िया है उम्मीद है कि मूवी इससे भी ज्यादा बढ़िया हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें कोई सलाह या सुझाव देना चाहें तो प्लीज उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।